स्टार्ट कर रहा हूँ। आज 6 सितंबर 2023 है, 6 सितंबर 2023, और आप देख सकते हैं लगभग 12:30 बज रहे हैं और बहुत सारे कॉइन यहाँ पे आपको दिख रहे होंगे। तो ये कॉइन्स कोई पर्सन हमारे ऑफिस पे आए थे, कल मैं पुणे था और इनका अपॉइंटमेंट था मेरे यहाँ पे 5 तारीख का। तो हुआ ये कि मुझे पुणे जाना था तो फिर मैं इनसे कल नहीं मिल पाया, तो ये स्टे किए हैं बॉम्बे। फिर इनके कोई पहचान वाले हैं, इनके भाई शायद घाटकोपर साइड रहते हैं, घाटकोपर में, तो वहाँ पे ये स्टे कर गए थे। फिर अभी आज सुबह में ये ऑफिस पे मेरे आके रुके हुए थे, तो मैंने इनको 11 बजे का टाइम दिया था। तो 11 से लगभग 12:30 बजे तक अभी ये सारे कॉइन्स मैं इनके चेक करके निकाल चुका हूँ जो मैं लेने वाला हूँ। ठीक है, तो इसमें स्कार श्रेणी के ज़्यादातर हैं, वेरी स्कार श्रेणी के थोड़े हैं और 3-4 रेयर कॉइन भी इसमें इन्होंने लाए हैं जो मैंने लिए हैं। कुछ पाउचेस में इन्होंने कॉइन लाए थे, इसको अभी मैंने कहा है कि थोड़ा और शॉर्टिंग करके आप इनको अलग कीजिए, तो फिर मैं उसमें से कुछ लेने वाला हूँ। तो आपको मैं इनसे मिलाऊँगा। ये हमारे मेम्बर भी हैं, लगभग 7-8 महीना पहले इन्होंने ऑर्बिट की मेम्बरशिप ली थी। ठीक है, और 2 से 3 बार पार्सल से भी इन्होंने कॉइन्स भेजे थे मेरे पास जो मैंने कुछ ख़रीदे भी थे इनसे, और अब इन्होंने एक साथ पूरे कॉइन्स लेके आए हैं। तो इनसे मैं मिलाता हूँ आपको। इनका नाम है राजू, मिस्टर राजू, वेलकम ऑर्बिट में, वेलकम आप। थैंक यू सर। ठीक है, थैंक यू सर। थोड़ा अपना आगे आइए। ओके सर, माइक से अपने को बात करना है ना, मैं पकड़ता हूँ सर। तो राजू जी, कहाँ से आए हैं आप? सर गुंटकल, ये आंध्र प्रदेश सर, मेरा अनंतपुर डिस्ट्रिक्ट है सर, मेरा अनंतपुर डिस्ट्रिक्ट, ये आंध्र में होता है, आंध्र है सर। अच्छा अच्छा अच्छा, तो ये इतना सारा जो कलेक्शन है आपके पास, ज़रा बताइएगा कि कैसे, कितने टाइम से आप इसको जमा कर रहे हैं? सर 3 साल से कर रहा हूँ सर, मैं ये कलेक्शन है टोटल कैन 3 साल हो गया सर, 3 साल हो गया सर। तो थोड़ा कुछ बता सकते हैं आप हमारे ऑडियंस को, जो लोग देख रहे हैं उनको भी पता चले कि, क्योंकि इतना आसान नहीं है ना ये कलेक्शन आपने जो किया है, तो क्या आपने क्या तरीका किया, कैसे आपने ये सारा कलेक्शन जमा किया है, थोड़ा सा बताइएगा। सर मैं आपको इसमें बैंक में मेरा फ्रेंड है सर, इसमें अच्छा वो फ्रेंड से उसको मैंने को इतना देखो मैं अच्छा पैसा देखो ये चिल्लर टोटल मैं ले लेता सर, वो अच्छा वो बैंक में से ले लेता सर, कलेक्ट करता। तो बैंक में तो मतलब यूज़ कंडीशन के कॉइन तो जाते नहीं, तो वो ज़्यादातर देखो पाउचेस लोग लेते हैं बैंक से, तो ये तो यूज़ कंडीशन है। आपको ये टेम्पल में से आता सर, वो टेम्पल में बैंक में टोटल वो टेम्पल से बैंक आता सर जाता है। ओके सर। अच्छा अच्छा, मतलब टेम्पल में जो लोग डोनेशन करते हैं वो पूरा जो जमा होता है वो बैंक में जाता है, वो बैंक में जाता है। तो वहाँ पे आपके फ्रेंड है जो जिनसे आप ये लेते हो, उनको कुछ अमाउंट आप देते हो डेली आपको 5,000 कॉइन्स मेरे पास आता सर, 1 रुपये वाला। अच्छा, स्टील कॉइन डेली आता मेरे को, उसमें स्केयर कॉइन निकाल को मैं फिर बाकी का बाजार में देता हूँ, टी स्टॉल में हो, दुकान में हो। तो इनका कहने का मतलब ये है डेली लगभग $5,000 1 रुपये वाले इनके पास आते हैं बैग, जिसमें से ये चेक करते हैं, स्कार श्रेणी के सिक्कों को निकालते हैं, बाकी के सिक्के ये आम चलन में स्टॉल वगैरह पे कहीं पे मतलब होटल वगैरह पे दे देते हैं। बराबर ना? करेक्ट सर, राइट ना? ओके सर। अच्छा, पहले शुरू में आपने मेरा वीडियो जब देखा, 8 महीना शायद हुआ होगा आपने मेंबरशिप ली, 1 ईयर से देखता हूँ सर तुम्हारा वीडियो से, और मेंबरशिप लेके 8 महीना हुआ होगा, 9 महीने। तो वो टाइम पे तो मेरे ख्याल से 1200 में हमारी मेंबरशिप, 1200 में मेंबरशिप हुआ है सर। तो ये अभी जो आप लाए हैं इतने सारे सिक्के, ठीक है, इसमें से लगभग मैं समझता हूँ 25 से 30% मैंने निकाला है जो मैं ले रहा हूँ। फिर भी देखिए आप कितनी सारी क्वांटिटी हो गई है। ठीक है, अब ये सारे सिक्कों को मुझे अलग अलग शॉर्टिंग करना है, उसके बाद फिर मैं इसको
मतलब अपने पास सही से रख सकता हूँ, क्योंकि ऐसे ही निकाल के रख दूँगा तो समझ में नहीं आएगा कौन से सिक्के कहाँ पे रखे हुए। तो ये सारा काम होता है, इजी नहीं है इसको सब मैनेज करना, बराबर ना? आप भी खुद मैनेज करते होंगे, इतने सारे सिक्के डेली बेस पे आते हैं, तो टाइम कितना जाता है आपका? सर एक 5,000 में देखने को स्केयर कॉइन अलग करने को 4-5 घंटा लगते सर मेरे को। ये डेली आप 4-5 घंटा करते हैं? ओ सर, डेली 4-5 घंटा स्केयर निकाल को फिर बाद में कर। और आप वैसे और दूसरा काम क्या करते हैं आप? सर मैं लेडीज टेलर सर। अच्छा, रेशन शॉप भी है सर मेरा। रेशन शॉप भी है, मतलब ये सारे काम आप करते हैं? हाँ, अकेला करता हूँ सर मैं। इसे किसे तो दिया तो मिंट वाइज क्या उनको नहीं मालूम होता ना, इसलिए मैं कर लेता सर। ओके सर। तो बहुत बड़ी बात है कि डेली का देखिए लगभग 5,000 कॉइन को चेक करना और उसमें 4-4 घंटा इनका चला जाता है। उसके बाद ये फिर मतलब सारे सिक्के उसमें से शॉर्ट करके अलग करते हैं। तो ऐसा है, मतलब इजी भी नहीं है, करने के लिए लोगों को टाइम देना पड़ेगा अगर इस लेवल पे करना चाहते हैं। बाकी जो लोग खरीदते हैं उनको तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, वो अपना बाय करके अपना कलेक्शन कर सकते हैं। लेकिन जो आम चलन से लोग ढूंढते हैं उनको इस टाइप की पूरी मेहनत करनी पड़ती है। तो एक बात ये बताइएगा राजू भाई कि अभी जैसे सिक्के आप निकालते हो, ढूंढते हो स्कार वेरी स्कार श्रेणी के, बुक में भी आपको पता होगा, बुक से आप देखते हो, तो बहुत सारे जैसे 5,000 चिल्लर में डेली आपके पास जब आता है कॉइन्स, तो उसमें से कितने कॉइन्स निकल पाते हैं? सर 5,000 में आपको 30-60 कॉइन्स आता सर, होता सर आने का 30-60 कॉइन आता, मतलब 100 में नहीं निकलता सर। 2007 का हैदराबाद मिंट का 3-4 मिलता सर, होता है दूसरा नहीं मिलता सर। मतलब देखिए 5,000 सिक्कों में इनका एक एक्सपीरियंस है कि 30-60 कॉइन एक अंदाज़ा दे रहे हैं ये, मतलब 30-50 कॉइन पकड़ लीजिए आप ये निकाल पाते हैं, बाकी सारे कॉइन मतलब 4,950 कॉइन समझ लीजिए आप उसको चला दें। ये आपको एयरपोर्ट टोटल है ना सर, ये 2004 का 1993-92 ये आपको 4 महीने पकड़े सर ये। अच्छा, ये निकालने को 4 महीना लगा सर। कितना पॉइंट था ये? ये टोटल महीने को आपको बैंक में 40-50,000 करता हूँ सर बिजनेस। 40-50,000 हाँ मंथली। अच्छा बताइए अब इनको इनको एक अलग से अवार्ड देना चाहिए इतना काम ये कर रहे हैं, इतने सिक्कों को चेक कर रहे हैं। तो एक मोटिवेशन भी लोगों के लिए है कि राजू भाई जैसे काम कर रहे हैं अगर आप लोग भी करेंगे तो कुछ ना कुछ फ़ायदा होगा। पहले आपको सीखना पड़ेगा, सीखने के लिए आपको बुक खरीदनी पड़ेगी या वीडियोस देखने पड़ेंगे, ठीक है? उसके बाद अगर आप सही वीडियो देखते हैं, उसको नोट डाउन करते हैं और आपको पता चलता है इसमें से कौन से स्कार वेरी स्कार श्रेणी के सिक्के हैं, उसको शॉर्टिंग करके खाली आप जमा भी करते जाएंगे, मेरे हिसाब से 1-2 साल में एक अच्छा कलेक्शन हो सकता है, बराबर ना? और उसका डिमांड आने वाले 4-5 साल में और अच्छा होगा, तो जिससे आपको बेनिफिट हो सकता है। तो राजू भाई ये तो आप सेल करने के लिए लाए हैं, आप खुद का भी कुछ कलेक्शन करके रखे हैं क्या? अभी है सर में है क्या कहते हो, तो दूर से नहीं है लेखा नगर को, थोड़ा लेखा है। जैसे आपने ऐसा भी किया है कि आपका खुद का कलेक्शन भी बनाया है आपने कोई एल्बम वगैरह में? नहीं सर। लेकिन मैं रिकमेंड करूंगा कि आप खुद का भी एक कलेक्शन बनाइए, ठीक है? सिर्फ सेल मत कीजिए। जैसे 10 सिक्के अगर आपके पास कोई है जो सेल हो रहे हैं, उसमें से 2 सिक्के आप अपने लीजिए, रखिए उसको, ठीक है? वो फ्यूचर में 2-3-5 साल के बाद के लिए, बाकी 8 सिक्के भले ही भेज दीजिए आप, ठीक है? तो अभी एक कॉइन एल्बम भी आपको मैं दूंगा, तो कभी आप 2-3 महीने के बाद हो सका तो उसको भर के एक वीडियो बनाकर कर मुझे भेजिएगा, ताकि मुझे अच्छा लगेगा, लोगों को दिखाऊंगा मैं कि राजू भाई की भी एल्बम एक कलेक्शन वाली बन गई है, ठीक है? क्योंकि देखो सब सेल कर दोगे वापस ये मिलेगा नहीं आपको, नेक्स्ट टाइम 2-3 साल के बाद ये कॉइन आपको इजीली नहीं मिलेंगे, बराबर ना? तो वो टाइम पे आपको ये लगेगा कि मैंने पूरा क्यों सेल कर दिया, नहीं करना चाहिए था, ठीक है? अभी मिल रहा है तो शायद आपको लग नहीं रहा है, लेकिन 2-3 साल बाद ये सिक्के भी आपको मिलना ठीक है। लेकिन जो स्कार श्रेणी के सिक्के हैं ना, अभी जैसे आप बोल रहे हो 5,000 में से 50 ही मिलते हैं, तो हो सकता है आने वाले टाइम में 5,000 में 25 ही मिलेंगे, 10 ही मिलेंगे, ठीक है? तो कम होते जाएंगे,
और ज़्यादा नहीं, 2-3 साल में बहुत कम हो जाएंगे, क्योंकि लोगों को अवेयरनेस हो रही है, राइट ना। तो ये मैं एक अपने तरफ से बता रहा हूँ, बाकी आपकी मर्ज़ी है, आप पूरा भी सेल कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। अब इस वीडियो में ही मैं आगे मेरी सेलिंग पर्पज़ की वीडियो ऐड करूँगा, ताकि एक ही वीडियो में दोनों काम हो जाए, ठीक है। ये राजू भाई को आपने देखा, ठीक है राजू भाई, बहुत बहुत शुक्रिया आने के लिए और लोगों को गाइड करने के लिए। थैंक यू सर, थैंक यू सर, थैंक यू सर। चलिए, तो ये एक पार्सल और जा रहा है बेंगलोर, ठीक है। देख सकते हैं आप, ये पोर्टफोलियो हमारा होता है 60 क्वाइंस का, जिसमें 2 ईयर्स की बायबैक एश्योरिटी के साथ ये हम देते हैं, क्योंकि इसमें इस टाइप के कॉइन्स होते हैं जो हमें पता है आने वाले टाइम में 2 साल में मिनिमम इसकी प्राइस अच्छी खासी बढ़ जाएगी, ठीक है। तो इसमें एक्स्ट्रा फाइन कंडीशन से BUNC कंडीशन, UNC कंडीशन, JEM UNC कंडीशन के भी कॉइन होते हैं, ख़ास करके AKM का 2021 का सेट भी होता है इसमें 4 कॉइन का, 2 रुपया, 10 रुपया, 5 रुपया, 20 रुपया, ठीक है। ये 2021 के होते हैं, और बाकी रिपब्लिक इंडिया के बहुत सारे कॉइन्स जो स्कार, वेरी स्कार, रेयर श्रेणी के कॉइन्स होते हैं, जो हम इस 60 कॉइन के एल्बम में देते हैं, चाहे वो 1 रुपीज़ का कॉइन हो, मतलब मिक्स है, कोई ज़रूरी नहीं है एक ही डिनोमिनेशन के हो, और डेफिनेटिव सीरीज़ भी ज़रूरी नहीं है, स्मारक सिक्के डेफिनेटिव दोनों मिक्स होते हैं इसमें, ठीक है। वे देखिए महाराणा प्रताप जी का इसमें एयर वाला कॉइन आपको देखने मिल रहा होगा, ऐसे अच्छे अच्छे कॉइन होते हैं इसमें। ये भी एक रेयर कॉइन है कोलकाता मिंट का, डांडी मार्च वाला। तो ये सारे ऐसे कॉइन्स इसमें हैं जो आगे चल के जिनकी डिमांड और बढ़ेगी, जिसके बेस पे पोर्टफोलियो को होल्ड करने पे आपको अच्छा प्रॉफिट हो सकता है। मैं वैसे 2 साल में बाय बैक एश्योरिटी देता हूँ, लेकिन मैं यही कहूँगा कि कम से कम 3 से 5 साल का आपको टारगेट लेके चलना है, तो एक अच्छा रिटर्न्स आपको, चाहे पोर्टफोलियो ले लें आप या कोई दूसरे कॉइन्स आप खरीदें, ठीक है, इन सब में भी आपको फ़ायदा देखने मिलेगा, चाहे आप AKM के कॉइन खरीद के रख रहे हैं या कोई भी दूसरे कॉइन। तो आप अगर 3 से 5 साल का टारगेट लेके चलेंगे तो आपको ज़रूर इसमें फ़ायदा होने की पूरे चांसेस है, और अच्छा बेनिफिट होगा। ये नहीं कि मतलब आपने लिया और थोड़ा बहुत उसमें बेनिफिट हो गया। तो ये होता है हमारा 60 कॉइन का एल्बम, काफ़ी लोगों ने लिया हुआ है, इसमें तरीका यही है, 12,000 में हम देते हैं ये फ़िलहाल, पहले 10,500 में मैं दिया करता था, प्राइस जैसे जैसे कॉइन्स की बढ़ रही है उस हिसाब से अभी इसके भी रेट्स बढ़ते जा रहे हैं एल्बम के। तो इसमें मैं सिर्फ UNC बेस पे कॉमन सिक्के नहीं देता हूँ, इसमें मेरा कॉन्सेप्ट ये है कि कम से कम स्कार श्रेणी का हो या कलेक्टेबल हो या रेयर हो, ठीक है, और वेरी स्कार श्रेणी के भी कॉइन्स होते हैं इसमें। तो इससे इस पोर्टफोलियो के अंदर जो मतलब कॉइन लगे हुए होते हैं, हमें पता होता है कि ये सारे कॉइन्स आने वाले टाइम में काफ़ी अच्छे प्राइजिंग में बिकना स्टार्ट होंगे, तो उस टाइम पे एक नया बंदा अगर ऐसा इस टाइप का कोई कलेक्शन करके रखता है तो उसके लिए खुशी की बात भी होगी, और उसको मतलब ये लगेगा कि उसने एक हॉबी भी की है और एश्योरिटी भी है उसको। लेकिन फिर भी ये कहूँगा कि सीख करके इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, आपको भी खुद इसकी जानकारी होनी चाहिए इन कॉइन्स के बारे में, ठीक है, तो आपको और कॉन्फिडेंट आएगा, तो आपको समझ में आएगा कि हाँ ये जो कॉइन्स इसमें लगे हुए हैं इसमें से कितने कॉइन्स ऐसे हैं जिनकी हाई पोटेंशियल चांसेस है, यानी कि ज़्यादा डिमांड होने के आने वाले टाइम में चांसेस है। तो मेरा एक अंदाज़ा रहता है रेयर वाले कॉइन का, तो चलो इसमें बढ़ेगा ही बढ़ेगा प्राइस, लेकिन जो स्कार और वेरी स्कार श्रेणी के भी इसमें होते हैं उसमें लगभग मैं समझता हूँ 50-60% कॉइन्स ऐसे हैं जिसका आने वाले 3 साल में काफ़ी अच्छा आपको प्राइस बढ़ता हुआ दिखेगा, ठीक है। तो ये था हमारा पोर्टफोलियो से रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन,
काफ़ी लोग बोलते हैं पोर्टफोलियो के बारे में बताइए, तो ये पोर्टफोलियो का बेसिक का मतलब हमारी इंफॉर्मेशन है। इस वीडियो को देखने से आपको समझ में आ जाएगा कि पोर्टफोलियो किस टाइप से हम देते हैं। और ये 12,000 में 3,000 आपको एडवांस पे करना होता है, उसके बाद विद इन 7 डेज़ इसको हम रेडी करेंगे। 7 डेज़ में जब रेडी हो जाएगा तो आपको मैसेज आएगा कि आपका रेडी हो चुका है, तो आपको बाकी का 9,000 पे करना है। जब आप पूरा पे करोगे तो ये आपके कुरियर के थ्रू या स्पीड पोस्ट के थ्रू पार्सल के थ्रू भेज दिया जाएगा, ठीक है। तो ये बस छोटी सी अपडेट है जो आप लोगों को बता रहा हूँ मैं। और मेंबरशिप का आप लोगों को पता ही है, 1500 रुपये में मेंबरशिप होती है हमारी, जिसमें मेरी बुक और एक कॉइन एल्बम आपको मिलती है। तो चलिए आज की वीडियो को बस यहीं पे एंड करता हूँ, इस उम्मीद से कि आज की वीडियो से भी कुछ सीखने समझने मिला होगा। बाय।